अंत तक लड़ते रहेंगे। जब हमारे खाने का ही स्रोत ही खत्म हो जाएगा तो फिर हमें जीने से क्या फायदा, वैसे भी मरना है, वैसे भी मर जाए। सर हम ये चाहते हैं कि जो मनमानी ढंग से ये जो भूमि अधिग्रहण हो रही है 2013 का कानून पालन करें और 2013 के कानून के हिसाब से मुआवजा दें। जो हमारे यहाँ जो सर्किल रेट है, बाज़ार रेट है, वो 15 लाख बिस्सा है, 15 लाख रुपया बिस्सा गुंटा, तो वो जो है 3 लाख रुपया बिस्से के हिसाब से ज़मीन को 4 गुना में कर रहे हैं, 3 चौक 12 लाख के हिसाब से, जबकि रजिस्ट्री होता है कोर्ट कचहरी में 15 लाख रुपया बिस्सा, उस पर ये लोग मनमाना ढंग से बरियाई करके हमारी ज़मीनों को हड़पना चाहते हैं। सर आने वाले समय में हमारा जब ज़मीन ही चला जाएगा तो हम क्या खाएंगे, क्या नहाएंगे, क्या करेंगे, फिर तो हम रोड पे आ जाएंगे ना सर, वही हमारी ज़मीनें हैं। बच्चे जो हमारे छोटी युवा हैं वो कहते हैं कि ज़मीन बेच दो पापा, लेकिन हम खेती नहीं करेंगे। भाई क्यों? क्योंकि खेती इतना घाटे का सौदा है, उसको उसका उचित रेट जो है वो नहीं मिल पाता है। दूसरी बात, अगर दादा ने कर्जा ले लिया है तो पोते पड़पोते वो उसको उतारने में लगे हुए हैं, लेकिन उतरना नहीं है। वो आज 1 लाख का लिया तो अगले साल 1.25 लाख का हो जाएगा, 1.5 लाख का हो जाएगा। तो हमारी गवर्नमेंटें क्या कर रही हैं, किसानों की जो कैपेसिटी और लेने की क्षमता है कर्जा उसको बढ़ा देती हैं, और मैनेजर के पास जब बैंक के पास जाते हैं वो 1 से 2% लेते हैं किसान से कि हम आपका रिन्यूअल कर देते हैं। जो हमारे यहाँ कर्ज मुक्ति पिछले साल योगी जी ने कहा था, जब योगी जी की सरकार बनाई थी वहाँ पर मात्र 1% भी किसी को कर्ज मुक्ति नहीं मिली, इन्होंने झूठा गुमराह करके झुटला दिया है। यही समस्या है कि हमारा आदिवासी के दिन रात कमाते हैं तो कुछ लाभ मिलते नहीं है, और सोयाबीन जो बेचने जाते हैं हम तो 2,200 का क्विंटल लेते हैं, और खरीदने हम बोते हैं तो वो लेते हैं 5,000-6,000 ऐसे बीज बेचते हैं, और दवाई महंगी, खाद की बोरी आज DOP की लेने जाते हैं तो 1,400 रुपये लेते हैं, यूरिया लेने जाते हैं तो 350 रुपये, और हमारा चीज़ को भाव आएगा तो उसको भाव घटा देगा, उनके पास जाते हैं तो सब पैसे बढ़ा के लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा है कि हम लोग को झूठा वादा हमेशा मिलता गया, हर जो भी सरकार आई झूठा वादा देते गई और खोखला उसका वादा हो गया। सच्चाई है कि हम लोग को धान और गेहूं का उचित मूल मिलना चाहिए, हम लोग को नहीं मिल रहा है, ना पैक्स वाला दे रहा है सरकार, ना दे रहा है और ना बिचौलिया दे रहा है, इसी से हम लोग परेशान हैं, ना अपना बेटा पढ़ा पा रहे हैं ना बेटी पढ़ा पा रहे हैं, और हम लोग पीछे घसकते जा रहे हैं। आवाज़ भी उठाते हैं कि पुरुष और महिला दोनों बराबर जब खेत में काम करती हैं तो उन लोगों को बराबर मजदूरी देना चाहिए, मगर ये न सरकार सोच रहा है ना ये गांव के जमदार सोच रहे हैं।